हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट प्रियांशु आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूं जो आपके इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी और साथ ही साथ आपको ऐसे टॉप 10 टिप्स देगी जिससे आपकी इकोनॉमिक्स यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र कॉम सब्जेक्ट है वह बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है इस बुक्स में और इसे रीडर इतनी ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं जिसकी वजह से ही है आज बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो। बुक स्टोरी, दोस्तों बुक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम यानी कि कठिन समय के लिए अच्छा अर्थशास्त्र। तो आप समझ सकते हैं कि जब इसका टाइटल इतना अच्छा है तो बुक के अंदर जो कंटेंट दे रखा है वह भी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज देने वाला होगा। बात करते हैं कि इसे किसने पब्लिश किया है। दोस्तों इसे पब्लिश किया है एस्टर डेफ्लो और अभिजीत बनर्जी के द्वारा। दोस्तों इस पूरे बुक के कंटेंट को मात्र 416 पेजेस में कवर किया गया है। साथ ही साथ अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो यह बुक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती है। और बात करें हम इस बुक की प्राइस की तो वह थोड़ा ज़्यादा है यानी कि यह बुक आपको 545 रुपये में मिलती है। अगर हम इसके प्राइस और कंटेंट को दोनों कंपैरिजन करें तो कंटेंट के मुताबिक इसका प्राइस बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट दे रखा है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रखा है। बुक कंटेंट यानी कि बुक स्टोरी, दोस्तों ऐसे ही आप इस बुक को खोलते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ सवालों का सामना करना पड़ता है जो कि इस प्रकार हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, क्या सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खोले जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, असमानता हर जगह क्यों विस्फोट हो रही है। सवाल नंबर 3, पुनः वितरण क्या वास्तव में प्रोत्साहन को कमजोर करता है। नेक्स्ट सवाल, हम विकास और जलवायु के बीच कैसे व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, पश्चिम में आर्थिक विकास क्या है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यह इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सवाल हैं अब जो एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए। अगर आपको इनके आंसर पता हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमिक्स है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों इस पूरी बुक में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हर वो जानकारी मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ यह बुक आपके इकोनॉमिक्स करियर को भी काफ़ी ऊपर तक लेकर जाती है। ऐसा मैं नहीं, इसके पढ़ने वाले, इसके जो चहेते हैं वो कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह बुक अमेज़न पर बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है। तो जब भी कोई बुक बेस्ट सेलर बुक बनती है तो वह ऐसे ही बेकार से कंटेंट के लिए नहीं बन जाती, क्योंकि दोस्तों एक बुक जब भी कोई बेस्ट सेलर बनेगी तो उसके काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले होंगे और उसे और उस बुक को काफ़ी से ज़्यादा लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ऑब्वियसली हम एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जो कि उसका कंटेंट, उसकी राइटिंग स्टाइल और उसकी फिलॉसफी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों यह बुक आपको पूरी तरह से फिलॉसफी करियर के दौरान देखने के लिए मिलेगी। और बात करूं मैं इसके राइटिंग स्टाइल की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस पूरी बुक में 416 पेजेस हैं तो आपको राइटिंग स्टाइल में कोई भी मिस्टेक देखने के लिए नहीं मिलती है। साथ ही साथ पेपर क्वालिटी की बात करूं तो वह भी काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी पेपर क्वालिटी का पेपर जो है वह भी काफ़ी अच्छी तरह से मोटा दिया गया है और साथ ही साथ इसे काफ़ी अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से इसका जो टाइटल है वह भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है कि अच्छे समय में कि कठिन समय में अच्छा अर्थशास्त्र। तो यह पढ़ने में भी काफ़ी दिलचस्प सा लगता है, बोरिंग फील नहीं करता है। और दोस्तों साथ साथ बात करूं इसके एंडिंग की, तो एंडिंग में जाते जाते आपको जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल बताए उन सभी सवालों का आपके पास आंसर होते हैं। और अगर आपके पास उन सभी सवालों के आंसर होंगे तो आप ऑब्वियसली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वह एक ऐसे सवाल हैं जो इकोनॉमिक्स के पूरे बेस को कवर करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप इस बुक को दिलचस्पी के साथ साथ तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। और बात करूं मैं इस बुक के ऑथर की, तो इस बुक को दो ऑथर ने मिलकर लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक ऐसी बुक को पढ़ने जा रहे हैं जिस बुक को दो ऑथर ने मिलकर लिखा है, क्योंकि दोस्तों जब कोई एक बुक को एक ही ऑथर लिखता है तो उसमें आपको एक ही ऑथर का अनुभव मिलता है, पर जब किसी दो ऑथरों ने एक बुक को लिखा हो तो आपको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको दो दो ऑथर का बहुत ज़्यादा अनुभव देखने के लिए मिलेगा। बात करें हम इनके करियर की तो इस बुक के पहले ऑथर अभिजीत बनर्जी भी कोई कम हस्ती नहीं है,
क्योंकि दोस्तों उन्होंने इस साल से पिछले साल यानी कि 2019 में यह नोबल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। साथ ही साथ ये मैनू चाइज जेस्ट एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी है, इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक ऐसे ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है अपने इकोनॉमिक्स के बेस पर। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं तो ऑब्वियसली यह पूरे देश में अपने इकोनॉमिक्स की बुकें बेचते होंगे और अपने और जो भी उनका अनुभव है वह अलग अलग यूनिवर्सिटियों में शेयर करते होंगे। इसी तरह से हमारे दूसरे ऑथर जो हैं फेल्टो, उन्होंने भी 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और वह भी इसी इंडस्ट्री के ही मतलब इसी इंस्टीट्यूट के ही वह भी इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप दोनों ये दोनों एक ऐसे ऑथर हैं जो कि काफ़ी अच्छे दीदंदाज हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिसकी वजह से आज इनकी बुक बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है। दोस्तों इन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सारी नॉलेजबल बुकें पब्लिश की हैं, जिन पर अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी रिव्यू वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हाँ, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को देखकर ऐसे ही ना जाया करो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ ही साथ हमारी बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो के लिए बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर उसे शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, पता नहीं क्या क्या, बहुत टाइम लगता है। तो इसके बदले में सिर्फ आपसे एक यूट्यूबर यह मांगता है कि आप इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, साथ ही साथ ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमें मौका मिले इसी तरह की और वीडियोस बनाने का, और जैसे ही हम कोई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ हमें कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियोस में आपको क्या कमी लगी, या फिर आपको क्या कौन सा पार्ट हमारी वीडियो का बेकार लगा, या फिर कौन सा पार्ट हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए हम लेते हैं विदा फिल्म नहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर, थैंक्स फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर, बाय।